पिताजी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। जाइए बेटा, मन लगा के पढ़िएगा। हाँ मैं बड़ी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ। हाँ ठीक है पिताजी, जाइए। क्या रहा इस खटारे को रोज लेकर आता है साले, इसको बेचकर कोई अच्छी सी बाइक ले ले। अबे इसकी छोटी सी तो पंचर की दुकान है, ये बाइक कहाँ से लेगा, इसकी औकात से बाहर है। तू सही कह रहा भाई, पंचर बनाने वाले बेटा पंचर ही बना ले बहुत। कोई जरूरी नहीं पंचर वाले का बेटा पंचर ही बनाए, कुछ और भी बन सकता है। अबे जा तू घर बैठ, तेरे पढ़ाई नहीं है, हम जा रहे कॉलेज। चल भाई। पिताजी आप पंचर उंचर बनाना छोड़ दीजिए। अब तुझे क्या हो गया है, यहाँ इसी से हमारा घर का खर्चा चल रहा है। आपके इन्हीं कामों की वजह से कॉलेज में मेरा सब मजा लेते हैं। देख बेटा, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, अगर उसे मन से किया जाए तो उसमें बहुत तरक्की मिलती है। आप सही कह रहे हैं पिताजी, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, इसी धंधे को मैं ऊंचाई तक ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, खूब तरक्की करो। अरे आजकल पंचर वाला कॉलेज नहीं आ रहा, क्या बात है? अबे मुझे तो लगता है उस दिन हम लोग उसका मजा लिए थे, शायद उसने पढ़ाई छोड़ दी हो। अबे साला कर ही क्या सकता है, अपने बाप की तरह पंचर ही बनाएगा, पढ़ाई लिखाई तो उसके बस की बात है नहीं। क्या हुआ भाई? लगता है पंचर है। अरे यार पंचर हो गई गाड़ी। बैकसाला अगल बगल कोई दुकान भी नहीं है, लगता उसी गरीब पंचर वाले के यहाँ जाना पड़ेगा। चला उसका मजा भी लेंगे साले का, आज देखते हैं आजकल कर क्या रहा है। चल साला अभी पंचर होना था। देख उस पंचर वाली दुकान आ गई, आ इसके मजे लेते बैठा हुआ है। तो पंचर वाले अपने पापा की तरह तू भी पंचर बनाना शुरू कर दिया? अबे पढ़ाई लिखाई छोड़कर पंचर नहीं बनाएगा तो और क्या करेगा। चला पंचर बना। तो फ्रेंड आज मैं आपको इंटरेस्टिंग ट्रेडिंग ऐप बिनोमो के बारे में बताता हूँ, जहाँ आप महीने के 30,000 रुपए तक कमा सकते हैं, यानी दिन के 1500 रुपए तक। बिनोमो ऐप iOS एंड एंड्रॉइड दोनों प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, जिससे पता चलता है कि एक लीगल ऐप है। बिनोमो में आप मल्टीपल असेट्स जैसे गूगल एप्पल गोल्ड एंड मल्टीपल करेंसी USD एंड यूरो में ट्रेड कर सकते हैं और 90% एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग पे न्यू है तो मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाइए और पाइए 65,000 रुपए डेमो अकाउंट में ट्रेड प्रैक्टिस के लिए। इसमें आपको चूज असेस्ट की फॉरकास्टिंग करनी होती है कि असेस्ट की वैल्यू इंक्रीज होगी डिक्रीज। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे लग रहा है कि असेस्ट की वैल्यू बढ़ेगी तो मैंने इसमें 700 रुपये लगाकर अप पर इन्वेस्ट कर दिया और ये ऊपर जा रहा है और ये देखो मेरा फॉरकास्ट सही हो गया और मैंने 1200 कमा लिए। बट अगर फॉरकास्ट गलत हुआ तो आपको लॉस भी हो सकता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि पैसा आपको कैसे मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं, ये पैसा आप अपने पेटीएम या बैंक अकाउंट में 24 घंटे के अंदर विड्रा कर सकते हैं। मिनिमम डिपॉजिट 350 रुपये, अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो आपका पैसा हो जाएगा डबल, यानी 350 को 700 रुपये, 1000 का 2000 रुपये। ट्रेड बिजली इसमें आपके कैपिटल को रिस्क हो सकता है, ये प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्टली 18+ के लिए है, तो वेट किस बात का, जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डाउनलोड कीजिए बिनोमो ऐप और स्टार्ट कीजिए अपनी अर्निंग। आइए मैं बिनोमिस्ट आर यू। लो भाई बन गया। कितने रुपए हुए? 50 रुपए। साले हमें मिले थे जो लूटने के लिए, एक छोटे से पंचर बनाने का 50 रुपए ले रहा है। चले पकड़ 20 रुपए। भाई साइकिल के पंचर के 20 रुपए होते हैं, बाइक के पंचर के 50 रुपए। साले जो मिल रहा है रख ले, वरना वो भी नहीं मिलेगा। चल पकड़। यार हम लोग की पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी है, मगर हम लोग इतनी डिग्री का करेंगे क्या? अरे यार तुम लोग टेंशन मत लो, मैंने एक कंपनी पता किया है, हम लोग को वहाँ जॉब लग सकती है और सैलरी भी 20,000 से स्टार्टिंग है। तुझे किसने बताया इसके बारे में? मैंने न्यूज़पेपर में ऐड देखा था। तब तो सही यार, 20,000 बहुत हमारे लिए। हाँ और अगले हफ्ते इंटरव्यू भी है। ठीक है भाई दे आते साथ में। हाँ यार दे आएंगे।
यार आजकल के जमाने में 20,000 रुपये क्या है, इतने पैसों में बचत कर पाना बड़ा मुश्किल है। वही तो यार, तू तो देख ही रहा है इतने दिनों से न्यू बाइक लेने की सोच रहा हूँ, बजट ही नहीं बन पा रहा है। क्यों नहीं, तू किस्त में बाइक ले लेता, पैसे जमा करते रहना, तेरा काम भी चलता रहेगा। हाँ यार तू सही बोल रहा है, चल मुझे बाइक दिला देता हूँ। कौन सी बाइक चाहिए भाई तुझे? यही पल्सर सही लग रहा है यार, 125 cc। ये वाला बढ़िया लग रहा है। हाँ सर बोलिए, कौन सी बाइक लेंगे? अबे तू पंचर वाला छोड़ दिया क्या, अब यहाँ काम कर रहा है? और ये कर भी क्या सकता है, इसने पढ़ाई लिखाई तो की नहीं है। चल तेरे लिए यही जॉब सही है, पंचर बनाने से तो अच्छा ही है। चल ऐसे छोड़, अपने मालिक बोला। बोलो क्या काम है? अरे बोल तो ऐसे रहा जैसे यही मालिक है। हाँ मैं ही हूँ मालिक। क्या क्या बोल रहा है यार, लेकिन ये सब कैसे, तूने तो पढ़ाई भी नहीं की थी और तेरे पास एक छोटी सी पंचर की दुकान थी? हाँ क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है, कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, अगर उसे मन से किया जाए तो तरक्की जरूर मिलती है। आ तो देख ही रहे हो मुझे, तभी मैं उसी दिन से पढ़ाई छोड़कर अपने बिजनेस में दिल और जान लगा के खूब मेहनत किया। उसके बाद मेरा बिजनेस आगे बढ़ता गया और आज देखो स्टोरूम का मालिक हूँ। सॉरी भाई हमें माफ़ कर दे, आज हमें एहसास हुआ कि कोई काम छोटा नहीं होता। भाई तूने एक छोटी सी पंचर की दुकान से अपनी लाइफ में इतनी तरक्की कर ली और अब इतना पढ़ लिख कर 20,000 की जॉब कर रहे हैं। अगर इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है। वैसे तुम लोग यहाँ पे कैसे? भाई मुझे बाइक लेनी थी, तुझे तो पता ही है 20,000 की जॉब आजकल क्या है, प्लीज़ भाई मना मत करना। चल ठीक है, मैं तो तुझे बाइक दे दूंगा क्योंकि मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया है जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद करनी चाहिए। थैंक यू भाई, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा और कभी किसी का मजाक भी नहीं उड़ाऊंगा।